डियर स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एके स्टडी सेंटर। आज हम लोग दीज और दोज का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। हम लोग देखेंगे दीज और दोज का उच्चारण और दीज और दोज का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इंग्लिश और स्पोकन में। तो टी एच एज ए दीज और दोज, टी एच ओ एज ए दोज, दीज उच्चारण, दीज और दोज, दीज और दोज का बारे में सीखेंगे। तो दीज, दीज मतलब होता है ए सब, ये सारा। दोस्त का मतलब होता है वो सब। इस प्रकार से दिस और दोस्त, ये दोनों जो है प्लुरल के संबंध में, बहुवचन के संदर्भ में इसका यूज होता है इंग्लिश और स्पोकन में। दीज जिस प्रकार से हमने पीछे पढ़ा था, दिस और दैट, उसी प्रकार दीज और दोस्त का इस्तेमाल होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसका इस्तेमाल होता है, दीज, टी एच ई एस ई, दीज। दीज मतलब होता है सामने के वस्तु को जब हम इंडिकेट करते हैं, किसी को बताना होता है, तो हम लोग दीज का इस्तेमाल करते हैं, टी एच ई एस ई, दीज। जैसे लेकिन बहुवचन में, बहुवचन मतलब क्या, एक से ज़्यादा व्यक्ति या किसी भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो संख्या में, उस चीज़ को जब हम लोग इंडिकेशन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं यहाँ नज़दीक के संदर्भ में, तो हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये लड़के हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, ये लड़कियाँ हैं, दीज आर गर्ल्स, ये लोग क्या हैं, ये लोग बिजनेसमैन हैं, दीज आर बिजनेस मैन, ये लोग फेरी वाला है, दीज आर हॉकर्स, ये लोग सपना चवा है, दीज आर स्नैक चार्मर्स, कुछ भी हो सकता है, ये लोग साधु हैं, दीज आर सेंट्स, ये लोग आवारा हैं, दीज आर लोफर्स, कुछ भी बना सकते हैं, ये लकड़ियां हैं, दीज आर वुड्स, ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, कुछ भी हो सकता है ना, ये फूल हैं, दीज आर फ्लावर्स। तो ये दीज को दिमाग में बैठाइए और इतना बार उसे अभ्यास कीजिए, दीज 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 दीज, अरे दीज दिमाग में इतना सेट कर जाना चाहिए कि अनकॉन्सियसली लिख ले दीज, कुछ भी निकल सकता है, ये चिड़िया है, दीज आर बर्ड्स, तो इतना फ्लुएंटली होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। और दीज जो है हमारे नजदीक के चीज को दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर दोज का इस्तेमाल हम लोग दूर के चीज को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे वे सारे तारे हैं, तो दोज आर स्टार्स, वे सारे पेड़ है, तो दोज आर ट्रीज, वे सारे भीड़ हैं, तो दोज आर क्राउड्स। उसी प्रकार से वे सारे सड़क हैं, दोज आर रोड्स, वे सारे कुर्सियां हैं, दोज आर चेयर्स। तो इस प्रकार से दीज और दोज का एग्जांपल क्लियर हो गया है। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है। और ध्यान रखें, दीज के साथ ये हम दिखा रहे हैं, दीज के साथ हमेशा जो हेल्पिंग भर्व लगता है वह प्लुरल लगता है, मतलब दीज आर, दीज इज कभी नहीं होगा, दीज आर होगा, दीज एम भी नहीं होगा, दीज आर और दोज आर, दोज इज भी नहीं होगा, दोज आर। तो हम दिखाते हैं, जैसे मान लिया जाए, दिखा रहे हैं दोज आर बर्ड्स, बी आई आर डी एस, दोज आर बर्ड्स, वे चिड़िया हैं, जैसे दोज टी एच वह, दोज आर माउंटेन्स, एफ ओ यू एन टी ए आई एन एस, दोज आर माउंटेन्स, फुल स्टॉप देना ना भूले, ये गलती करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, बनाएंगे और ये फुल स्टॉप नहीं देंगे, ये फुल स्टॉप का बहुत महत्व है। आप पूरा सेंटेंस बनाएंगे और फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, मान लिया सेंटेंस का यहाँ पर 2 मार्क्स है एग्जाम में, तो आप एक फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
और आप सेंटेंस पूरा सही बनाए और फुल स्टॉप देंगे तो दो में से आपको दो मिलेगा। तो ये गलती ना करें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, फुल स्टॉप जहाँ देना है वहाँ नहीं देंगे, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सिंबल देना है वहाँ पर नहीं देंगे, जहाँ पर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन देना है वहाँ पर नहीं देंगे। तो इस प्रकार का आलस करते हैं और कोढ़िया गिरी वाला काम करते हैं। इस तरह काम ना करें, दिमाग में एक बार बैठाएं उसको और इस प्रकार से अभ्यास करें। उसी प्रकार जैसे कि अब नज़दीक के संदर्भ में ये हो गया दोस्त और सामने वाला एच एस दीज आर बॉल्स बी ए डबल आर एस बॉल्स दीज आर बॉल्स। ये सब बहुत सारे गेंद हैं, क्रिकेट खेलने वाले बॉल वगैरह हो सकता है। तो दीज आर बॉल्स, बहुत सारे नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं। टी एच एस दीज आर बॉयज बी वाई एस बॉयस टी एच ई एस दीज आर एस ए आई एन टी एस सेंट्स। ये लोग साधु हैं। सेंट मतलब क्या होगा, साधु बाबा जी। तो दीज आर सेंट्स, तो कुछ भी हो सकता था। दीज और दोस का एग्जांपल हमने देखा, आप लोग देख लीजिए, बस यही चीज़ है। तो यही चीज़ के बारे में चैप्टर में है। इसमें दुनिया में आपको क्या फर्क पड़ता है, यही बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ बुक में, आप इसका शॉर्ट एग्जाम्पल देखिए बनाइए। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए दिया है तो आप देखिए बनाइए। तो आप एक बार सीख जाएंगे तो कुछ भी पूछा जाए तो बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर किताब में दिया है एक कुत्ते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ये गायें हैं, ये घोड़े हैं। एक कुत्ते हैं दीज आर डॉग्स, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं, दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं, और ये गायें हैं, दीज आर काउस, है ना। एक बार देखिए बता दिए तो विद्यार्थी में वो क्षमता होना चाहिए कि देखे और तुरंत ट्रांसलेशन, देखे और तुरंत ट्रांसलेशन, कोई कुछ बोले तुरंत ट्रांसलेशन। तो वो क्षमता होना चाहिए इंग्लिश स्पोकन में कि कोई व्यक्ति अगर हिंदी में बोलता है हम उसको तुरंत ट्रांसलेशन इंग्लिश में, चाहे वह कितने भी दुनिया का जटिल से जटिल क्यों नहीं बोले, उसको ट्रांसलेशन करने का क्षमता होना चाहिए। या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इंडियन हो या दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग हों, चाहे वह ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग हों, चाहे वह अमेरिकन लोग हों या ऑस्ट्रेलियन लोग हों, जब भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि सुने तुरंत तुरंत उसको ट्रांसलेशन हम लोग अगर बोले करने के लिए तो तुरंत हम लोगों में वो क्षमता होना चाहिए कि तुरंत उसका ट्रांसलेशन कर दें, उसको हिंदी में कर दें, इंग्लिश को सुन के हिंदी में कर दें। और कोई हिंदी में बोल रहा उसको ट्रांसलेट इन टू हिंदी, तो हमें वो क्षमता होना चाहिए कि हम तुरंत वो हम लोग मुखस्ती हम लोग कर देंगे, मुँह से ही कर देंगे फ्लुएंटली। तभी इस प्रकार का जब क्षमता आएगा तभी आप कामयाब हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, और सफलता को ऊंचाई को तभी आप छू सकते हैं। और इसी प्रकार का कैपेसिटी का उम्मीद किया जाता है आईएएस आईपीएस के लिए, मेडिकल साइंस में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या इस प्रकार से सक्सेस होने के लिए। तो ये प्रकार का क्षमता होना चाहिए, इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होना चाहिए। तो ये सब सारा कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा जब आप इस सिस्टम से इस तरीके से पढ़ेंगे, राइट। बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, इसको डिट्टू आपको कंठस्थ करना है। मान लिया जाए यहाँ पर है कुर्सी, पंखा, चटाई, नक्शा। तो कुर्सी का होता है चेयर, पंखा का होता है फैन, नक्शा होता है मैप, चटाई का होता है मैट। तो एक बार सुने और उस अपने क्षमता होना चाहिए तुरंत उसका ट्रांसलेशन आप वर्ड मीनिंग को बता दे। हिंदी में पूछे तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग बता दे, इंग्लिश में पूछे तो हिंदी वर्ड मीनिंग बता दे। ऐसा नहीं कि पूछा इधर देखे उधर देखे, ये सिस्टम से नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई का उस टेक्निक से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। और यही टेक्निक से अगर आप पढ़ाई करें, इंग्लिश सीखेंगे, तभी इट विल बी वर्थ, तभी यह आपको फायदा देने वाला है और आपको कामयाब बनाने वाला है। और नहीं तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अलगत गगरी झलका जाए। अगर थोड़ा सा जानेंगे तो कहावत में कहा गया है कि अपढ़वा जान मारता है। तो इस प्रकार ना करें, किसी भी चीज को विधा को सीख रहे हैं तो उसको समग्रता से सीखे, संपूर्णता से सीखे, तभी उसका सार्थकता है और तभी वह सही एक्सप्रेशन होगा और तभी आप उसके द्वारा कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वह आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, आपको कामयाबी देने वाले हर दूसरे का भी भला कर सकता है। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान से अपना भी खतरा जीवन में और दूसरा का भी जीवन में खतरा। तो ये सब चीज़ जानना होगा, पेशेंस रखना होगा, धीरे 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 हरे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे सो घड़ा ऋतु आए तो फल होए। इसी प्रकार का बहुत सारा ट्रांसलेशन है, यह बच्चा है, ये बच्चे हैं, वो बच्चा है, कुछ भी रहे दुनिया में उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये लड़का है, ये लड़कियाँ हैं, या नारंगी है, वो नारंगियाँ हैं। दुनिया में कुछ भी पूछे, ये सब ट्रांसलेशन बुक में दिया, बैठ के बनाइए। ये नारंगियाँ हैं दीज आर ऑरेंज, वो नारंगियाँ हैं दो हज़ार ऑरेंज, ये लड़कियाँ हैं दीज आर गर्ल्स, वो लड़कियाँ हैं दो हज़ार गर्ल्स, हैं दीज आर बर्ड्स, ये चिड़ियाँ हैं, वो चिड़ियाँ हैं दो आर बर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब दिया है, तो बस इस प्रकार का आपको बनाते बनाते कैपेसिटी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मैक्स से मैंने परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काम चोरी करेंगे
टीचर बोलेगा बैठ के बनाओ, प्रैक्टिस करो, लिखो। आप कहेंगे नहीं सर हम जानते हैं, कल तो पढ़े सर, कल तो पढ़े हैं सर। कहेंगे नहीं सर हम जानते हैं, कल तो पढ़े, कल तो बनाए, नहीं बनाएंगे, लेवल जंपिंग, दूसरा चैप्टर में जाएंगे। अरे घंटा घोड़ा का डीम, पहले पढ़ने का तरीका सीखो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सीखना भी इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से सीखना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ स्टडी, राइट। और इसको अगर समझना है, नहीं समझ में आता है ना, तो ब्रूस ली का स्टेटमेंट जो है, देखिए आप लोग ब्रूस ली क्या बोला था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 1000 कीक को जानता हो, 1000 पंच को जानता हो, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक कीक जानता हो लेकिन वह 1000 बार एक कीक एक पंच का अभ्यास किया हो। और यही बात सचिन तेंदुलकर भी बोलता है, अभ्यास 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 अभ्यास। और सचिन तेंदुलकर से भी ये पूछा गया है तो उन्होंने भी बताया हमारे सफलता का राज अभ्यास एक्सरसाइज, तो अभ्यास करें, यही मार्गदर्शन है। और बाकी जो ऑफलाइन क्लास में भी होगा इसी तरह वोकैबुलरी है, पूरा कंठस्थ करें और धैर्य रखें, धीरे धीरे आगे बढ़े, सारा चीज़ को याद करते हुए जाएं। वोकैबुलरी, कुत्ता बिल्ली फलना ढकना, देखिए ये सब जूनियर है, ये आपको स्टार्टिंग से आप ये मत समझिए कि कुत्ता बिल्ली है और बच्चा बच्चे हैं, इसको याद नहीं करेंगे, कंठस्थ कीजिए, क्योंकि छोटा जब आप कंठस्थ नहीं करेंगे ना तो यह बहुत बड़ा आपको तकलीफ देगा, इसलिए कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल सकता है। तो कॉन्फिडेंस अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो मी ए लिटल मैक्स ए मिगल, तो किसी छोटे चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, छोटा से छोटा चीज पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डिंग दिमाग में करना होगा और सारे कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में समझना होगा, अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार का जो है, अब इसमें हम लोग जो है दिस और दैट का यूज हम लोग सीख चुके हैं, दिस और दोस्त का भी इस्तेमाल हम लोग सीख चुके हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ बनाइए और ऑफलाइन क्लासेस में बनाइएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट जो आपको समय समय पर हम देंगे ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक और प्रश्नात्मक सवाल। तो कहने का मतलब है अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा उसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे और उसे इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो सारा चीज़ जितना सीखे उसको हम बता देते हैं कि नेगेटिव में कैसे बनाएंगे और इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस टी एच आई एस, दिस इज अ माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन, यह एक पहाड़ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, क्या यह पहाड़ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे इज, दिस टी एच आई एस, इज दिस अ माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह यहाँ पर मार कर देना ना भूले। उसी प्रकार से दैट का प्रयोग, दैट दैट इज एन ऑक्स, दैट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है, क्या वह एक बैल है, इसको हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक का वाक्य, तो कैसे बनाएंगे, इज को हम लोग कर देंगे यहाँ पर आगे, बहुत सिंपल होगा, इज सारा स्टेटमेंट वही रहेगा, इज दैट एन ऑक्स, नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं किए इसमें, इज को हम लोग शिफ्ट कर दिए पहले, और जब यहाँ पर सेंटेंस बन के रेडी हो गया तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी लिए। तो दिस का हम लोगों ने सीख लिया, दिस और दैट के बारे में, राइट। अब हम लोग जो दिस के बारे में, टी एच ई एज दिस, दिस आर पीपल, PEOPLE, दिस आर पीपल, ये लोग हैं, ये लोग हैं, बता रहे ये लोग हैं, जैसे ये लड़के हैं उसे ये लोग हैं, दिस आर पीपल, इसी को हम लोग बनाएंगे, क्या ये लोग आदमी हैं, पीपल मतलब लोग या आदमी, तो दीज आर पीपल मतलब ये लोग हैं या ये आदमी हैं। उसी प्रकार से क्या ये मनुष्य हैं, आदमी हैं, तो उसी का बन जाएगा आर दीज पीपल। इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं एक और एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्लियर करते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे दीज, यस दीज आर बुक्स, ये किताब है, इसी को हम लोग बनाएंगे आर दिस बुक, क्या ये किताब है, तो आर दिस बुक्स, राइट। नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूलें, जो अधिकतर विद्यार्थी भूल जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अगर फिर बनाएंगे दोस आर, मान लिया दोस, HOS, दोस आर, क्या बनाएंगे आप भी बस सोच के बताइए कि क्या बनाना है, एक तो सेंटेंस बताइए क्या, हाँ, तो जैसे कि
those are vehicles, वे गाड़ियां हैं। उसी को बनाएंगे, क्या वे गाड़ियां हैं। कोई व्यक्ति पूछा क्या वे गाड़ियां हैं, मान लिया जाए कोई व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, कोई पूछा क्या है, व्हाट आर दोस, किसी ने बोला दोज आर व्हीकल्स, वे गाड़ियां हैं। दोज आर व्हीकल्स ग्रैंडपा, दादाजी वे गाड़ियां हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, तो बोलेगा आर दोज व्हीकल्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, आर दोज VEHICLES, आर दोज व्हीकल्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा उच्चारण, इसका इस्तेमाल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव के बारे में सीखें तो थोड़ा हम लोग नेगेटिव के बारे में भी बता ही देते हैं, राइट। और नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोगों ने सीखा। इंट्रोगेटिव जैसे दिस इज ए माउंटेन, तो यह एक क्या है, पहाड़ है, और यह एक पहाड़ नहीं है। बनाना तो कैसे बनाना है, दिस टी एच आई, दिस इज नॉट अ माउंटेन, MUNTAIN, माउंटेन, दिस इज नॉट ए माउंटेन, सारा वही देगा, इज और इज के बाद नॉट लग जाएगा, तो दिस इज नॉट ए माउंटेन। नेगेटिव में उसी तरह से यहाँ पर था, वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स, तो हम लोग बनाएंगे वह एक बैल नहीं है, तो क्या बनेगा, दैट इज नॉट लगा दीजिए, नॉट एन ऑक्स, और यहाँ पर होगा फुल स्टॉप, दैट इज नॉट एन ऑक्स, वह एक बैल नहीं है या वह बैल नहीं है, राइट। उसी प्रकार ये लोग हैं, मान लिया जाए हमको बनाना ये लड़कियाँ नहीं हैं, तो कैसे बनाएंगे, पहले बनाते हैं ये लड़कियाँ हैं, तो दीज ई एच ई एस, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, GIRLS, दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। इसी को बनाएंगे कि ये लड़कियां नहीं हैं, THEES, दीज आर नॉट लग जाएगा, CIRLS, दीज आर नॉट गर्ल्स, दीज आर नॉट गर्ल्स, ये लड़कियां नहीं हैं। इसी को बनाएंगे, क्या ये लड़कियां हैं, तो दीज आर THEES, दीज आर नॉट गर्ल्स हमने बनाया, और इसी को बनाएंगे, क्या ये लड़कियां नहीं हैं, तो इसको हम लोग बनाएंगे आर दीज गर्ल्स, आर दीज गर्ल्स, क्या ये लड़कियां हैं, आर दीज गर्ल्स। इसको यही चलिए हम लोग क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर अगर रहता क्या ये लड़कियां नहीं हैं, तो हम लोग इसको बना सकते थे आर दीज नॉट गर्ल्स, राइट। क्या ये शिक्षक नहीं है, तो हम लोग बना सकते थे आर दीज not teacher, or this not teacher। इस प्रकार से लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत सारे इसमें बार बार मैं नहीं बोलूँगा, जितना भी वर्ड का पावर है और जितना भी इसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इसको बनाइए और बनाने का अभ्यास कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एच स्टडी सेंटर। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।